वेलकम बैक पीए चामी टू द चैनल चापी गाइस। आज एक बार फिर से अपना आ चुके हैं पोकेमोन डार्क वर्शिप के अंदर। और पिछली बार अपन लोग आ गए थे इस केव के सामने, मतलब अपन अंदर गए थे और ये भाई अंदर माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का है। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है ना पावर सप्लाई का कुछ काम चल रहा है। देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही सब कुछ है भाई। येलो कलर का बैकग्राउंड, मतलब जो फर्श है ना भाई वो भी येलो कलर का है। मतलब आपको ऐसा फील दे रहा है भाई कि यहाँ पे बिजली से रिलेटेड कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पे बनाए थे, बाकी एक बंदे को हराए थे जो कि हट्टा सा हट्टा कट्टा था, बाइसाइकिल पे बैठा था। एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसका बाइसाइकिल उसका लोड कैसे उठा रहा होगा। बाकी उसको छोड़ो, उसने जिम लीडर को परेशान किया था, अपन ने उसको परेशान किया हिसाब बराबर। और उसके बाद भाई उसने अपन को छोड़ दिया और अपन आ गए थे यहाँ पे। बाकी लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लेना। और अगर आप लोग इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो या फिर इस गेम के चीट कोड्स आपको चाहिए तो जाके डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो। बाकी ये मैं कहाँ पर घुस गया भाई? देख भैया मेरे को जिंदा रहना है और करंट वरेंट ना मार दे भाई। अभी तक मैंने एक गर्लफ्रेंड भी नहीं पटाई है, तो प्लीज़ मेरे को जिंदा रहने देना। बाकी इस बंदे से मेरे को लगता है मैंने बैटल के लिए थोड़ा फास्ट में चलते हैं। ओके यहाँ पे सीन, एक मिनट। हाँ इससे ओपन, अच्छा ओपन हो ना भाई, हो गया हो गया। अच्छा ये कुछ देने वाले क्या? आई एम अ लिटिल हंग्री, इफ़ यू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड बिग। अरे भाई मेरे पास था क्या? चलो अच्छा है। नहीं नहीं व्हाट अ डिलाइट, हे नाउ आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू अ प्रीटी गुड थिंग, टेक इट। आई एम प्रो साइड भाई, मेगा स्टोन मिला। बट अबे यार ये मेगा स्टोन क्यों मिलता है? मेरे को मेगा एवोल्यूशन तो मिला नहीं भाई, मेगा स्टोन ही मिल रहा है बस। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। अरे मैक्स रिवाइव ये चीज, ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए भाई, दिल गार्डन गार्डन और खुश रहता भाई। चल भैया ओके, पता नहीं इधर क्या मिलेगा भाई, इसके अंदर घुस सकता हूँ नहीं घुस सकता। चलो इस बार लगता है कुछ हुआ है। नहीं भाई मेरे को करंट ओढ़ने से डर लगता है भाई फिलहाल, क्योंकि अभी अभी मैंने बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने नहीं किए। सबसे मेन बात उसमें भाई मैंने व्हाट द हेल, सबसे मेन बात भाई अपने लड़की नहीं पटाई दुनियादारी पोकेमोन सब जाए तेल लेने भाई, बात कंप्लीट करके मानने का ओके चलो भाई देखा बुला उधर को तो फिर काम कर देना। मैं हीलिंग नहीं करा यार, कैसा आदमी हूँ भाई मैं? मतलब मेरे को याद भी नहीं था भाई हीलिंग कराना है एक्चुअली में, तो कैसे करा था मैं? मतलब याद तो नहीं है तो फिर कैसे कराऊंगा? इसके पास ना वो लेविटेट नाम की एबिलिटी होगी, देख लेना। अर्थ को एक काम ही नहीं करेगा, बट क्या फ़ायदा भाई अर्थ को एक जब एक्वाटेल फेंट कर दे रहा है, कौन ही करना चाहेगा? अपन को बेसिकली क्या है ना, फेंट करने से मतलब रखना चाहिए, बाकी वो किससे होगा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सब अटैक चलते भाई, एवरीथिंग वर्क्स। कहाँ गया ये पोल, कहाँ गया भाई, कैसे खुलेगा? एक मिनट एक मिनट, अरे रुक जा मेरे दोस्त रुक जा, ये तो नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अरे भाई कुछ बताएगा? ज़रूरी है क्या सामने से ही इसको उंगली करना? व्हाट, नहीं हुआ कुछ। वेट वेट वेट, ऊपर से चलते मेरे दोस्त, ये वाला कब काम आएगा? अरे इसमें तो पावर ही नहीं लगता है, ये क्या नल्ला मर रहा है भाई? मेरे दोस्त भाई मैं कैसे आऊँ भाई अंदर? गाइस 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 क्या हो गया यहाँ पे? अरे ऐसे वाइट वाले पोल्स चाहिए देखो, ऐसे तो मशीन को ऑन किया बट वो खुल नहीं रहा ना यार। अच्छा इससे खुल, ओ भाई आहर बाहर अंदर बाहर सब चीज़ एक पे काम कर रहा है, मतलब ये पागलपंती चाहिए इनको यार। अंकल देखो हाँ, जाने दो मेरे को इज्जत से, इज्जत से नहीं जाने दोगे तो अपन चले जाएंगे। चलो अरे भाई क्या अंकल आप भी पाना पकड़ लेके मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो यार आप भी। अच्छा मैं उसको लग गया। अच्छा हाँ ये क्या बोलती है उसको, मैग्नीट्यूड में वो मैग्नीट्यूड ही बोलते ना, एंडी वॉर जान दे बनिए सिखाना। हाँ नहीं तो यार मेरे को लगा इज्जत से जाने देगा, बट बीच में उंगली करना ज़रूरी थी। पता नहीं क्या मिल गया इनको यार, ठंड नहीं रखते यार ये लोग। अच्छा यहाँ पे बड़ी वाली मशीनें लगता है, क्या लिख के आ रहा है? सिस्टम वर्किंग परफेक्टली ओके, इसका नाम है एड्रियन, टेकिंग केयर ऑफ द सिस्टम एंड मेकिंग इट परफेक्ट इजंट इजी। अच्छा ऐसी बात है क्या? TM25 थंडर भाई लाजवाब अटैक है, करंट ना मार दे मेरे को भाई, जिंदा रहना है। वॉल्ट 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 मेरी भैंस की टांग वॉल्ट अरे 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 मैनीसाइट मिला भाई एक नंबर। और कोई आइटम यहाँ पे ऐसे कहीं है नहीं कुछ कर, अरे कूद गया कूद गया। चलो अपन बाहर निकल गए भाई लोग, वहाँ पे ऐसे कुछ एक्चुअली में करने को था नहीं यार,
तो अभी अभी अपन एक काम करते, देखो मैं एक काम क्या काम करता हूँ ना, मैं पहले जाता हूँ पोकेमोन सेंटर, वहाँ पे अपने पोकेमोन्स को हील कराता हूँ और उसके बाद मैं आपको उस केव पे मिलता हूँ जहाँ से अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब तक मैं आगे का काम करके मिलता हूँ आपसे। भाई यहाँ से मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे को एक बंदा मिला और इसके पास कुछ मिशन है अपने लिए, बात करके देखते हैं। होल्ड यू लाइक टू हैव, अरे इससे मैं बात पहले कर चुका हूँ। ओके यार ये सब आइटम्स छोड़ो, मेरे को लगा मैं बात ही नहीं की वैसे, इसके लिए मैंने सोचा चलो देखते क्या इवेंट है भाई इसके पास, बट फैनिकेन चाहिए तो उसको जो आइटम्स के नाम बोल रहे हैं वो लेके आना पड़ेगा तुम्हें। वेट वेट वेट, अपना केव किधर गया यार, पिछली बार यही रास्ता था ना। अरे यहाँ से तो अपन सर्व करके भी आ सकते थे भाई। मेरे ख्याल से ना मैं रास्ते ही, अरे भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ क्या या फिर मैं भूल गया हूँ, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो भाई। अच्छा हाँ याद आया याद आया याद आया, हाँ याद आया, यहाँ से अपन को सर्फ करके जाना पड़ेगा भाई आगे। तो गाइस ये सीन तो आपको पता ही होगा, मैं कट करके वहीं मिलता हूँ भाई डायरेक्टली, वरना फिर बर्बादी तो है टाइम की। ओके गाइस यहाँ पे इस अंकल के पास अपन आ चुके भाई और अब इनसे बात करते, आई थिंक ये लेके जाएंगे। हेलो संजय, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू गो बैक टू कैपिटल सिटी टुगेदर, फॉलो मी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, इनका ये बात अच्छा है कि भाई डायरेक्टली निकाल देते अपन को सिर्फ पोकेमोन सेंटर से, एंड बीच में आते थे भाई मेरे को दो तीन बैटल करना पड़ता था क्योंकि ट्रेनर्स ने मेरे को पकड़ लिया था, बाकी तो फिर जान दो क्या दिक्कत है। एक तो ब्लास्टर्स वाला ट्रेनर मिल गया था आप लोगों के सामने ही, मतलब जब मैं मतलब छोड़ो जान दो भी क्या ही बताऊँ मैं, रिफिल अभी कौन यूज़ करेगा। सॉरी टू इन्फॉर्म यू बट लीडर लोरिना इज़ नॉट हियर, सी वॉन्ट टू ट्रेन। अरे यार अभी तो अपन ने मतलब, अच्छा हाँ उसको जाके बताना पड़ेगा ना कि अपने काम कर दिया उसका। अच्छा वो बाल के टुकड़ा भी तोड़ के लाया था अपन, उसको वो भी देना पड़ेगा। ये जिम लीडर भी पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, पागल टाइप थोड़ा है भाई ये, बच्चे मतलब बच्चे वाले हरकत करते ना। मिस उसने मेरे को चिंगूटी काटा, आप मैं काम ही नहीं करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा जब तक आप उसको चिंगूटी नहीं काटोगी। ओके हैंड मी डैड टफ्ट ऑफ हेयर, ओके टफ्ट हेयर दे दिया मैंने इसको। थैंक्स फॉर फिनिशिंग दिस टास्क, हैज़ प्रूफ ऑफ योर ब्रेवरी, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, टेक इट, TM17 मिला, होप यू लाइक इट। नाउ आई एम गोइंग टू बैक माई डियर होम एंड हैव डैट टफ्ट हंग ऑन द वॉल, गुड बाय। ओके आई थिंक वो जा चुका है एंड अब वो जिम के अंदर मिलेगा अपन को, थिंक सो। भैया जिम ज़्यादा हार्ड ना हो तो बढ़िया है क्योंकि मेरे पोकेमोन्स वैसे ही ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है भाई। चलो लेट्स गो टू द जिम गाइस, मेरे ख्याल से वो गया होगा जिम के अंदर, बाकी तो देखते हैं क्योंकि वो नालायक इंसान ने पता नहीं क्या है। अरे 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 भाई साहब अभी तो निकला है यार वो जिम के लिए रवाना हुआ, जिम में पहुंचा नहीं, कहाँ चले गया भाई, उसकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं फिर सीन गड़बड़ होगा भाई, अगर होगी तो सीन गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगी तो फिर एक टाइम पे अपन समझ सकते हैं, बट अगर होगी तो फिर मैं समझ गया वो कहाँ गई। नहीं अपना दिमाग तेज है यार, भले अपन सिंगल है बट समझते सब है, अपने दोस्त लोग सब अपने को समझा करके हरकतें वो करते हैं, समझ में अपन को सब आता है। बताएं एक मतलब वो लोग एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बुड्ढे बोलते ना बुड्ढे, बुड्ढे लोग के साथ बैठने से क्या होता है आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बिना काम किए स्किल उनके पास लोग बैठते, वरना किसके पास ही टाइम है भाई बुड्ढों के पास बैठने के पास। किसी पास टाइम है बुड्ढे की मतलब बुड्ढों के साथ बैठेंगे नहीं। चल भाई बैटल कर लो, नहीं 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 हमारे ऊपर ही टूट पड़ो। R9 ओहो बेबे एक्सट्रीम स्पीड, अभी रुक तेरी स्पीड निकालता हूँ मैं, ये लिखा पील, अरे सॉरी अच्छा अब ये मेरे को पिला देगा। अच्छा ये ले मेरे पूछ का डायग, अच्छा स्वाम्पट की पूछ है क्या, एक्वाटेल मारते हैं तो टेल की जरूरत है ना, टेल मैंने पूछ है क्या इसके पास, लगता तो नहीं मेरे को भाई। मैगमोटर आया, चलते को सर्फ मारता हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बट मेरे को अर्थक्वेक ही मारना चाहिए भाई, ऐसे नालायक पोखे इनको, इनको ना दुनिया हिलाना ही पसंद है तो इनको दुनिया हिलाने वाले अटैक मारना चाहिए, बाकी सब अटैक ये लोग मतलब कैसे बच जाते भाई। वाटर डिप सुपर इफेक्टिव प्लस वाला साइन भी आ रहा है, इफेक्टिव प्लस डबल इफेक्टिव भाई, फिर भी फेड नहीं होता यार। चलो अच्छा, अरे कूदने वाला पत्थर, कभी कभी आगे से नहीं पीछे से निकलना पड़ता है। ओ और ये देख लो भाई, अपन पीछे से निकल के बच गए वरना वो बंदा पकड़ के अपन को धोता एंड अपने को गुस्सा आता तो अपन मार वार देते उसको, फिर वो रोते रोते घर पे जाता, फिर अपने खिलाफ कंप्लेन हो जाता। नहीं भाई बाहर मामला सुलटा लेने का, कभी कभी थप्पड़ मिल जाए तो भी मार खा के मामला सुलटा लेने का, या फिर पैसे खिला के, घर तक बात नहीं जाने देने का यार, घर पर बात पता चलती है ना तो फिर घर वाले बहुत खतरनाक हो जाते, फिर जीना हराम कर देते भाई, निकलने नहीं देते घर के बाहर। ओके केव वैसे है क्या, अरे यार एक कला किलोटे लोग किधर से आ जाते, कालिया तेरे को रगड़ रगड़ के गोरियाँ कर दूंगा यार, मत परेशान कर।
वन हिट अब टू हिट भी मुश्किल लग रहा है बट हो जाएगा। मैं जब सोचता हूँ ना वन हिट होगा तो कभी नहीं होता भाई, और जब मैं नहीं सोचता ना तो कभी कभी हो जाते गलती से। अरे मेरे दोस्त स्वाइन अप काई को यार काई पाई जी तुला कसल मल परेशान कर तू रही। अरे चल 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 तेरी तो। अरे एक मिनट यार, वेट कोई रास्ता है क्या? अच्छा आइटम छोड़ दे भाई संजू भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया छोड़ देंगे मगर आइटम ही छोड़ेंगे। ज़्यादा बोल गया मैं। अरे किंग्स रॉक चलो, ये पिछवाड़े से रास्ता नहीं है तो फिर क्यों लालच देते हो यार? ओहो बच गए एक नंबर। अरे अच्छा मतलब पजल सॉल्व करना पड़ेगा, बट कैसे करें पजल सॉल्व? हाउ वी कैन सॉल्व दिस पजल? कैसे यार, पत्थर तो फोड़ नहीं पाएंगे? एक मिनट करना क्या है भाई मेरे को? अरे रुको अंकल के पास से चलते ना। अंकल रिपेल का तेल लेने। अरे नहीं तेल लेने अपन को पहुंचा देगा भाई, रिपेल लेना पड़ेगा। ओहो इधर से नहीं। अरे रुक जा मेरे दोस्त रुक जा, साइड से नहीं निकल सकते क्या? कैसा बनाया भाई इसको, जानबूझ के फंसाने वाले बनाया कि अपन को बैटल करना ही पड़ा? ये देखो आराम खोर लोगे भाई पजल बनाने वाले भी, जानबूझ के ऐसा बना दे कि बंदा बैटल करे बिना ना जा पाए। अभी मैं ऐसा, तुम लोग एक बात बताओ मेरे को, ऐसा तुमको अच्छा लगेगा क्या? सामने खाना रखा हो बट मैंने उसके अंदर ऐसा रोड बना दिया कि आप खाने को ऐसा देख के अपना लार छुआ बट खा ना पाओ उसको, ऐसा अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना भाई। तो ये लोग भाई ऐसा क्यों कर रहे, रास्ता दिखा रहे बट उधर रास्ते पे सीधा सीधा नहीं जाने दे रहे भाई, पंगा लेके जाओ। ऐसा थोड़ी होता यार, प्यासा आ रहा है उसको बोलो ना पहले पजल सॉल्व कर, पजल सॉल्व नहीं करेगा तो फिर भूल जा तू, ना खाना ना पानी ना कुछ, निकल पहली फुर्सत में निकल। हाँ नहीं तो कैसे, मतलब ये पजल्स के ऊपर मेरा दिमाग बहुत हिलता है भाई, और स्पेशली जो केव्स में होते हैं ना उनके ऊपर मैं ऐसे ही मतलब देख के ही मेरा दिमाग हिल जाता है। अरे चकमा देना मेरे को नहीं आता भाई। दोस्त ये हराम खोर लोग ना दोस्त किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है भाई, किसी के सगे नहीं, दिमाग हिला। अरे चलो एक अच्छी बात ही एक ही। अरे मेरे भाई क्यों वाय, बस हाँ बस बहुत हो गया, अभी लेवल कम है ना, 4 लेवल कम है और अब होगा भी नहीं इतनी जल्दी। ओके ये कौन है? आई थिंक ड्रैगन टेल पड़ी इसको। ओके मीन लुक भाग नहीं पाएगा तो मार तो खाएगा ना तू। चल भैया एरी रेस। अरे गया ड्रैकोजोल, पता नहीं क्यों इतना जल्दी फेंड हो गया बट डैमेज भी नहीं दे पाया ज़्यादा उम्मीद। अरे जिसकी उम्मीद थी वो तो लगी नहीं रहा यार, ब्रेव बर्ड मार फिर तो तू। चलो फेंट हो गया और थोड़ा लेके जाएगा डैमेज। हाँ दिया भाई रिकॉइल तो पड़ता ही है वो तो भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना थोड़ा अपन को सहना पड़ेगा भाई अगर सामने वाले को तोड़ना चाहो तो। वेट मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, वो काला वाला बंदा है भाई वहाँ पे। अरे जाना ही पड़ेगा भाई अब। ए पैच से क्या एबिलिटी स्विच होती है? ओहो मेरे भाई ये लड़की है क्या, लड़का है? मैं ये इसमें भी कंफ्यूज होता हूँ भाई, सामने लड़कियाँ आई कि लड़का आया पता नहीं क्यों, साइंस में सिंगल हूँ इसलिए। नहीं अपन सिंगल हैं तो क्या हक से सिंगल है भाई। ओके मेरे दोस्त 54 लेवल का हो गया, किसी को ना लेवल की ज़रूरत नहीं बट फिर भी उनका लेवल अप हो रहा है, बट किसी को ज़रूरत है बट पता नहीं किधर कौन से कोपचे में भाई खाना खा रहे लेवल अप ही नहीं हो रहा उनका। जैसे कि देखना पड़ेगा मेरे को, एक्चुअली याद नहीं है बट यहाँ पे गीगा ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत हो गया ये बेड़ू बहुत हो गया। अरे भाई थोड़ा HP दे दे और थोड़ा दे दे, नहीं इतना गंदा अटैक मत मार यार। अरे तू हार जा यार, बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया हारने के लिए। ओ 53 बहुत बढ़िया, ऐसे ही लेवल अप होते रहे और सब खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, पोकेमॉन्स भी खुश रहे, बढ़ते फूलते रहे भाई। मैंने कोई तो सीरियल देखा था उसके अंदर आशीर्वाद में क्या देखते पता है? फूलो। अरे चलो ठीक है फूलो क्या भाई, फूलो मतलब क्या फूलो, फूल जाएगा तो कौन लेके जाएगा भाई? इधर आदमी थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है उसका चलना मुश्किल हो जाता है, तुम भाई आशीर्वाद दे तो फूलो। अबे आशीर्वाद तो ढंग से दे दिया करो, फूलो। चलो फूलो तो समझ में आता है, फलो मतलब क्या होता है वो तो मेरे को पता भी नहीं भाई। फूलो मतलब गुब्बारा बनो, फलो मतलब तो पता भी नहीं मेरे को भाई, लिटरल बता रहा हूँ।
अच्छा ये आइटम वो लेना पड़ेगा, पर्पल नेक्टर, चलो ठीक है। कैसे पार करूँ इसको? हाँ मिल गया रास्ता, देखें दिमाग तो है अपने पास भाई, ये तो मानना पड़ेगा। बट ये लोग ना परेशान करके रखते भाई। ओह कैरियो गोगोनल, ये ना वो क्या बोलते हो पैरेललोग्राम और वो अलग अलग जो है ना स्पीशीज भाई मैथ्स का, वो क्या है ट्राइंगल रेक्टेंगल जिसमें आते ना उसके जैसा है भाई ये। ये क्या है ये पैरेललोग्राम है कि वो क्या बोलते हैं, मैं सबका नाम भी भूल गया यार, बड़े दिन हो गए ना बुक नहीं खोला। पैरेललोग्राम था एंड रोम्बस था याद आते धीरे धीरे, बट क्या ही करना है, रोम्बस था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, ट्राइंगल था और इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल जान दो याद करके भी दिमाग ख़राब होता है रेंदू। और उसमें क्या था वो चार पार्ट वाले का कुछ और नाम था, वो सोलो डियो ट्रियो क्या क्या नाम था, छोड़ो यार ऑक्टागॉन वो सब जान दो यार, अभी इक्विलेटरल ऐसे कुछ था, ऑक्टा एट ना ऐसा सब कुछ था भाई, मैं जब पढ़ा था तब याद था, अभी सब भूल गया भाई, कहाँ काम आने वाले हो वैसे भी, और आएगा तो उस टाइम याद भी हो जाएगा। अपने स्कूल में ना ऐसा ही चीज़ पढ़ाते जो कभी काम ना आए भाई, मतलब अरे अरे आइजैक, डू रियल थिंक यू कैन स्टॉप मी लिडल, आई एम आइजैक द प्रिच हु केम टू द वर्ल्ड टू अनलीश द पावर ऑफ द सैक्रेड पोकेमॉन, डोंट मेक मी लाफ। हा हा हा, इसका नाम क्या है, लोरीना, ये जिम लीडर क्या अपना, पता नहीं, आई हैव नेवर मेट अ बीइंग सो डेस्पिकेबल हैज यू आइजैक, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ यू एंड यू गैंग मैनेज टू गेट हियर, दिस प्लेस इज प्रोटेक्टेड 24 आवर्स अ डे सो दैट नो वन कैन गेट इन। 24 आवर्स का तो पता नहीं भाई, एक घंटा भी प्रोटेक्टेड नहीं रहता, मैं इतने देर से भटक रहा हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला मेरे को भाई, एक नहीं, पता नहीं इसको कैसे रोक पाएंगे, मैं शरीफ बच्चा हूँ, सीधा साधा बच्चा हूँ, मेरे को तो कोई मिला नहीं, ना कोई रोकने को मिला, ना कुछ नहीं, ये बुरा आदमी है भाई, इसको क्या ही उखाड़ लेंगे, इसका लॉजिक वाली बात ही नहीं है भाई, ये लोग ना क्या बोलते भोजपुरी पिक्चर वाले एक फाइट मारने का कार उड़ जाएगा, वाह एक पंच मारेगा भाई ट्रेन चिपटा हो जाएगा, क्या बात है भाई, कितना पावरफुल लोग है भाई। देर आर मेनी क्रेजी पीपल लुकिंग फॉर दिस मैन्युस्क्रिप्ट एंड इट लुक्स लाइक यू फिट द बिल डोंट यू, आई एम प्रेस्टिड जो भी लिखा हो भाई फॉर दिस ड्यूटी प्री डिजाइंड चेक तेरी तो। From the time I was in my mother's womb, I already knew what I was. That is why I created this sect. With more followers, I could reach my goal. And here I am. I won't let any person get in my way. भैया जब तुम पेट में रहो तो तुम आँखें खुली कि नहीं, दिमाग चला कि नहीं, बना कि नहीं भाई, ये सोचना उधर से शुरू कर दिया, क्या पागल बनाता भाई। Stop! You can't get away with changing history. I'm going to call the authorities to arrest you. Don't think I will let you. I have tricks up my sleeve. Go Glilly. Glilly, use ice beam on that cheeky human. अच्छा ये लड़की है भाई, अरे अरे ये तो 90s जैसी लग रही है भाई। हा हा हा, you thought you couldn't beat me, didn't you? Poor thing. Now I will continue my research. Return Glilly. एक मिनट, अब ना मेरे को ये सब करना पड़ेगा, ये तो वो लग रहा है मेरे को, क्या नाम है उसका यार, रजाइस, पोकेमोन के नाम से मेरे को बराबर याद है भैया, वो मैथ्स के जो है ना वो सब याद नहीं मेरे को बराबर यार, यहाँ पे बहुत सारे बैटल्स हैं यार, बट करना तो पड़ेगा ना, वरना नहीं तो फिर मत करो, अपना क्या है, अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो, और एक को तो उसने बर्फ़ बना दिया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, अपना मतलब अगर अपन 10 मिनट भी बर्फ़ के अंदर रहे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और अपनी तो हालत वैसे ही पंचर हो जाएगी भाई, ऐसा ना ऐसा लगता है चमड़े बिमड़े सब एकदम भाई खून अंदर का गायब ही हो गया ऐसा बर्फ़ में रहो तो, और ऐसा ज़्यादा देर पानी में भी रहो ना तो ऐसा फिर वो चमड़े एकदम पता नहीं कैसे हो जाते भाई, ऐसा लगता है बॉडी में खून ही नहीं है ऐसा, मतलब मैं एक टाइम मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत गंदा स्विमिंग पूल में था भाई, हम लोग भाई उस टाइम खूब पैसा वैसा लेके गए थे तो जान दे भाई, हाँ रन दे हम लोग पैसा भर देंगे चल निकल एकदम मूड में थे यार सब लोग, और दिन कौन सा था पता है, एग्ज़ाम का आखिरी दिन था और एग्ज़ाम दे के हम लोग आए थे बहुत मज़ा आया था, बाकी तो फिर जाने दो भाई, एक बात है पानी में जब जा दे रहो ना स्विमिंग पूल वगैरह में, जब बाहर निकलो ना तो फिर शरीर में ऐसे लगता है कि क्या ही बहुत कुछ बदल गया भाई, बट नहीं रहना चाहिए भाई, ज़्यादा देर पानी में नहीं रहना चाहिए, इफ़ेक्ट पड़ता है भाई बॉडी पे, बॉडी पे पड़े या ना पड़े चमड़ों पे तो ज़रूर पड़ता है भाई, ये तो मैंने खुद ने नोटिस किया है।
अरे इस बंदे ने बैटल नहीं किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही दिलदार लोग मेरे को अच्छी लगती। भैया देख तू अचानक से धप्पा मत देना मेरे को भाई, हील कर लेने दे पहले पोखेमोन को, एक ही बचा हुआ है बस। द ग्रेटेस्ट पावर टेम्पल इन डिस्टेंट आइलैंड इज हिडन सेफ एंड इनवॉयलेबल बट टू अ ग्रेटर वर्च्यू इट इज़ नेसेसरी टू अरोस एंड कंबाइन द पावर ऑफ एक्स एंड द पावर ऑफ वाई। अच्छा मेगा मेगा पावर की बात कर रहा है, मेगा शून एक्स एंड वाई। ही हु पोसेसेस दिस पावर विल बी द न्यू गॉड ऑफ द वर्ल्ड। फैसिनेटिंग, सो देयर इन लाइज द हिडन सेक्ट अबाउट द पावर ऑफ सैक्रेड पोकेमोन। आई विल गैदर माई फॉलोअर्स इमीडिएटली इन ऑर्डर टू अपटेन द मिसिंग क्रिएचर ऑफ फॉर माई सेल्फ, दिस विल बी अमेजिंग। वैसे मेरे को यहाँ पे एक सीन आया भाई, जब आज का चार्जार्ड वर्सेस वो हुआ था ना पॉलीव्रैग ऑरेंज आइलैंड के ऊपर, तो चार्जार्ड को क्या भाई बर्फ में बदला था, वैसा ही सीन लग रहा है एकदम प्योर। हाँ क्या वैसे ही देखो ये मेरे को भाई, मेरे को कंट्रोल्स क्यों दिया भाई ऑटोमेटिक जब हीरो बनने का इधर को। यू अगेन यू आर रियली प्रेसिस्टेंट अरेंट यू, बट नाउ यू आर टू लेट, आई हैव ऑलरेडी रीड द मैन्युस्क्रिप्ट, देयर इज नथिंग मोर यू कैन डू। हा हा हा, यू विल सून हियर फ्रॉम मी, नाउ लेट मी गो। डू यू विश टू अटैक आइजैक एंड नॉट लेट एस्केप हिम। जान दे भाई, हीलिंग नहीं हुई है पोकेमोन की, जान दे, जा भाई जा, जाने दो भाई, अपन को क्या ही करना है, जाए अपन वैसे भी इसको हरा भी देंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, हराने के चक्कर में खुद ही हार जाते, पता हीलिंग नहीं हुई थी पोकेमोन की। रिस्क लेना चाहिए बट ये नहीं रिस्क की भाई। लीडर लोरिना इज फ्रोजन, यू नीड पोशन टू डिफ्रॉस्ट। अरे पोशन नहीं मेरे बैग में, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, सुपर पोशन लेना, पोशन वेर इज पोशन, पोशन पोशन भैया पोशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा यार, सुपर पोशन है पोशन नहीं है भाई, ये कौन सा नशा है बे, पोशन पोशन किधर है बे, वेर आर यू मैन, एक सेकंड नहीं है, रुको एक डाउट मेरे को ये लग रहा है कि पत्थरों में मिल जाए क्या पता, अगर यहाँ पे यूज़ हुआ तो फिर मे बी ये रास्ता किधर जाता यार, पोशन के लिए भटक के जाओ यार मैं, व्हाट द हेल पोशन। अबे सुपर पोशन नाम सुना है तुमने, सुपर पोशन नहीं सुना है क्या, मैं क्या करूँ यार, नहीं सुना है लोग ने यार, गाइस ये क्या हो गया यार, ऐसा थोड़ी होता भैया, पोशन दे दे वैस की टांगों क्या ही देगा। एक मिनट यहाँ पे दो रास्ते, बट द थिंग इज डैट, अच्छा यहाँ से जा सकते पर ये कहाँ लेके जाएगा वैसे, स्नो हिल ए, अच्छा ये बैकअप वाला, बैकअप वाला भाई। गाइस एक काम करो आप लोग, वेट करो मैं पोशन लेके आता हूँ भाई, ये मगज मारी हो गया यार एक नंबर का, एक मिनट यार मगज मारी वाला काम है भाई। ओके गाइस थोड़ा वेट करो मैं जाके पोकेमोन सेंटर से भाई फटाफट पोशन खरीद के लाता हूँ, तब तक लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यहाँ पे मैं पोशन खरीद के आ चुका हूँ और मैं इतना बड़ा पागल हूँ पता है, मैं पोकेमोन सेंटर गया पोशन खरीदा बट मैंने हील नहीं करा पोकेमोन को, मेरे से बड़ा ईमानदार पागल कुछ कोई हो सकता है क्या, बताओ यार। नहीं मैं मिशन पे एकदम चिपक जाता हूँ भाई कि सिर्फ पोशन ही चाहिए, बाकी दुनियादारी मेरे को दिखता ही नहीं है तेरी। अरे यू नीड अ पोशन टू डिफ्रॉस्ट, अभी ये रहा ना पोशन, और कितना पोशन चाहिए भाई तेरे को, इधर किधर यूज़ हो रहा है उसको देना, अभी अभी दिमाग ख़राब हो रहा है अभी सच में, पोशन अभी पोशन है ना मेरे पास भाई, कर लेना यार, ये क्या हो रहा है यार, ऐसा थोड़ी होना चाहिए भाई साहब, मैं पोशन लाया तो भाई और क्या दूँ तेरे को, अभी जान लेगा क्या मेरी, अरे यार ऐसा क्यों, मैंने क्या गुनाह किया यार, मेरे को ये क्यों सब पाप मिलते हैं। यू नीड अ पोशन टू डिफ्रॉस्ट, अरे यार ठीक है ना बट कहाँ से लाऊँ पोशन, ये क्या है, क्या लिखा है इधर, क्या होता है भाई पी ओ टी आई वन, क्या होता है पोशन होता है क्या, अच्छा तुमको पोशन चाहिए, हमारे पास पोशन है, ओहो हो हो हो, सो बैड सो बैड, लेट मी गो, जाओ मरो, नहीं मर ही जाओ यार। अरे यार दिमाग ख़राब कर दिया यार, चलो मैं जाता हूँ यहाँ से भाई, बट यही जिम लीडर की कौन है, जिम लीडर भी कौन है यार, सन की इंसान पता भी नहीं चलता, एक मिनट यार गाइस इधर क्या करना है यार, रुको मैं यूट्यूब पे देख के आता हूँ, इसको चाहिए क्या, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा भाई, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा।
गाइस यहाँ पे मेरे को पता चल गया भाई कि जो पोशन उसको चाहिए वो कैसे मिलेगा और कैसे क्या करना है। मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, एकदम मतलब एक सेकंड बस अच्छे से देख लेना, बाकी सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको आना भाई इस बंदे के पास, यहाँ से आपको दो आइटम खरीदना है। एक है भाई आई सील, एक आई सील खरीद लो, एंड उसके बाद आपको एक रिवाइव भी खरीदना पड़ेगा। मेरे पास भाई ऑलरेडी 12 रिवाइव है, तो वो भाई मैं नहीं खरीदूंगा। बाकी अभी आपको एक बेरी चाहिए होगा, तो वो बेरी कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने उसको भाई पहले एपिसोड में कलेक्ट कर लिया था, तो मैं उसको कलेक्ट करके नहीं दिखा पाऊंगा। मतलब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो मिलने वाला है कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये जो छोटा वाला पेड़ है ना, यहाँ से आपको बेरी मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। ओके, ये जो एस्पियर बेरी है ना, ये मिलेगा भाई। तो ये बेरी ले लेना यहाँ से, एंड एक आई सील खरीद लेना और एक मतलब रिवाइव खरीद लेना भाई। और उसके बाद चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। हो सके तो एक पोशन भी रख लेना भाई, ये श्योरिटी नहीं है कि रिवाइव और पोशन में मैं कंफ्यूज हूँ, बट एक पोशन और एक रिवाइव रख लेना, बाकी काम हो जाएगा। और उसके बाद भाई अपन को आना है ये आंटी जी के पास, और इनके पास से भाई अपना इनसे बात करो, बतिया करो भाई, और उसके बाद तो फिर सब हो ही जाएगा। बात करो और इनसे ना यस यस करते रहना, वो आपको दे देंगे भाई इंग्रेडिएंट, रुत नाम का जो भी इंग्रेडिएंट है भाई। ओके, दैट्स इट, द पोशन हैज़ बीन मेड, टेक इट। ओके, डीप फ्रॉस्ट पॉट, ओके ये है, आई होप यू हैव टाइम टू यूज़ इट, गुड लक। ठीक है, तो ये अपन को आइटम मिल चुका भाई, और यही आइटम था जो अपन को चाहिए था। अभी अपन चलते हैं भाई आगे, और यहाँ से भाई मैं अभी डायरेक्टली जाता हूँ उस केव के अंदर, क्योंकि देखो अभी वापस अगर आप लोग को लेके जाऊँगा साथ में तो फिर एपिसोड फालतू में लंबा होगा एक दो मिनट, और बीच में वाइल्ड पोकेमॉन्स भी आएंगे। तो मैं फटाफट जाता हूँ उस बंदे के पास एंड उसको पोशन देते भाई। गाइस यहाँ पे हम लोग इसके पास आ गए और अब इसको पोशन दे देते, और देखो ये डीप फ्रॉस्ट पोशन भाई, उसने पोशन चिल्लाया था भाई, बट उसका नाम है डीप फ्रॉस्ट पोशन। पागल लोग यार, क्या बोल सकते। लोरीना नाम है भाई इसका, ये लड़की है यार, मैं इसको लड़का समझ जाता। डेट एक्चुअली जगह अच्छा है और लड़का लड़की साथ है तो फिर हो जाए कुछ, बट कुछ नहीं होगा। व्हाट, वेयर एम आई, हु आर यू भाई, व्हाट द बस्टेड फ्रोज मी देन रैन अवे, व्हाट कावर्ड दैट आइजक गाय इज, डिड यू सी द वर्स्ट हैपेंड, ही रीड द मैन्युस्क्रिप्ट, नाउ ही नोज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर ऑफ द पोकेमॉन, नाउ व्हाट, व्हाट डू वी डू, The only way is to keep investigating to make sure he doesn't get the two provisional powers. The problem is I don't know where to find the power of X. Maybe you can get some information in the city of Pompano. Now I will go back to my gym. If you want to battle me there, I will be waiting for you. See you later. भाई फाइनली अब अपन जाके भाई, वैसे ये जिमलेट लड़की है यार, तो बैटल करने में मज़ा आएगा, और अगर अपन हार भी गए तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी मैं केव से बात तो लिख ही जाऊंगा और सीधा जिम लीडर के पास ही मिलूंगा। बाकी गाइस अगर आप लोग के पास कोई सजेशंस हो जो आप लोग मेरे को देना चाहो जिम से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को दे देना, और मेरे को ये जरूर बताना कि मैं लेवल अप कितना करूं भाई, वरना फिर आगे जाके मैं पिट जाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बाकी पोकेमॉन टीम सजेशन देना चाहो तो देख देना भाई, कौन से पोकेमॉन, मेरे पीसी की पोकेमॉन आप सब लोग ने देखे होंगे तो उसके ऊपर भाई बता देना। बाकी गाइस आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मिलेंगे कल एक नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को, एंड हैव अ गुड डे।